मुझे वहां से निकलना था तो मैं यहाँ पे आ गई थी, क्या कर रहे पता नहीं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग बाय हसन एंड तहसीन। तो आज हसन नहीं है क्योंकि हसन को उसके डैडी लेकर गए हैं। तो आप लोग का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि आपकी लाइफ स्टोरी शेयर करो, आपके हस्बैंड कहाँ है, आप अपनी मम्मी के यहाँ क्यों रहती हो, एंड और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज सबके सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि आज ही हम लोग का कुछ हुआ है। मेरे एक हस्बैंड जो है वो आए थे और मेरे दोनों बेटों को लेकर गए, मोहम्मद हसन को और मोहम्मद आरिफ भाई को। जो सेकेंड नंबर का बेटा है मोहम्मद अरकान, वो मेरे पास ही है फिलहाल क्योंकि वो गया नहीं, मेरे बगैर कभी रहता नहीं है वो। हालांकि ये दोनों भी नहीं रहते, पर उस लोग को हसन माशाल्लाह थोड़ा बड़ा है तो उसको डांटी मार के उसके डैडी लेकर गए हैं। तो ये बात है कि मेरे हस्बैंड जो है वो आदत हो गई उनको ड्रिंक करने की, तो ऐसा हो गया कि यानी वो अफेयर में भी चले गए, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर में भी चले गए वो करे। और ऐसा कोई नशा नहीं है जो उन्होंने करा नहीं है, और लॉकडाउन के बाद तो और भी हालत ख़राब हो गई थी। तो लॉकडाउन में तो उन्होंने कोई ऐसा नशा नहीं है जो उन्होंने करा नहीं है, हर तरह के नशे कर चुके हैं। उनके दोनों भाई हैं वो भी ऐसे ही हैं, और मेरी जो मैरिज हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, मेरी मम्मी के जो बहन है उन्हीं के लड़के हैं ये। तो काफ़ी हद तक मैं मम्मा को भी मैंने बोला था, मैं डैड को भी बोली थी, और जो हमारे ख़ानदान में बड़े रहते हैं उनको भी बोले थे, रिलेटिव्स वाले ही काफ़ी लोग को बोले थे। तो उन्होंने 6 से 7 मरतबा बुलाकर सेटलमेंट भी कराया, पर जैसा था वैसे ही रहते हैं वो, सिर्फ सबके सामने एग्री होते हैं, फिर बाद में जो उनका सिस्टम चल रहा है वैसे ही रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। और जो अफेयर में आ भी गए थे तो उन्होंने अपना वो लड़की के नाम के टैटू वगैरह बांध कराए हाथ में और चेस्ट वगैरह में। तो जो सब मेरे हस्बैंड के राज खुले थे क्योंकि मुझे घर के बाहर ही जाने नहीं देते थे। हमारा कोट मालिया था, कोट मालिया पे मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर रहती थी, और मैं डाइवोर्स तो मैं दूंगा नहीं, आपको कोट मालिया पे ही रहना होगा, और मैं वो एक्सेप्ट अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत टूट चुकी हूँ। तो उनको पता है कि मेरे बच्चों के बगैर मैं रह नहीं सकती, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि यानी मेरी जो मेन पॉइंट है जो दुखती हुई रखा है उसके अंदर यानी बोला है कि यानी मेरे बच्चों को मैं लेके जाता हूँ। तो अभी दोनों को लेकर गए, मोहम्मद हसन को, मोहम्मद इब्राहिम को। तो अभी अरकान भी रो रो के हालत ख़राब है। अभी देखो आप लोग ही कमेंट्स करके बताओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को तो अभी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अल्कोहल के हल में वो ड्रिंक जब करके आते थे तो ऐसा थे कि इतना मारते थे और इतना मेंटल टॉर्चर करते थे कि कोई कुछ बोलता नहीं था, उनको खुद को होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे। नेबर भी बचाने आते थे तो नेबर को भी मारते थे, जो भी मिडल में आएगा बचाने उसको भी मारते थे। इसके लिए मैं वहाँ से हट चुकी, ना खर्चे के पैसे देते थे, ना बच्चों की स्कूल की फीस, कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए नहीं थे। जॉब ज्वाइन किया और बच्चों को यानी सोची थी पढ़ाऊंगी अच्छे से, और बच्चों के ऊपर उसके डैड का असर नहीं होना चाहिए, पर अभी वही लेके चले गए तो अभी देखो क्या होता है। और जो मेरी सास है वो भी सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको पता है कि उनके बेटे जब अल्कोहल करते हैं तो वो किसी के काबू में नहीं रहते। तो मेरी सास फुल सपोर्ट में है मेरे हस्बैंड के, और मेरे जो डेट और देवर हैं वो भी वैसी ही है। इसके लिए मुझे वहाँ से निकलना था तो मैं यहाँ पे आ गई थी। गाइस मैं ना इतने साल से बच्चे के पास परेशानी थी तो मैं लेके चल रही थी मेरे बच्चों को, चलो हो जाएगा हो जाएगा। अभी मेरे बच्चे से बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अलग घर हो गया। जब तक मेरी कैपेसिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह में जो भी था मन हंसते देती थी, अभी मेरे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। वही बोल के उसके आदमी को बताया करे तो उसके आदमी को बोलते जैसा जैसा पहले थी ना वैसा ही रहेगा। अभी उनके आदमी को मैंने बुलाना मकसद यही था कि तेरे बच्चों को नहीं सबको संभाल के तू रह कर। वो कहता है कि मैं ना जैसा था ना वैसा ही रहूँगा, अगर उसको आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो मत आना। ऐसा करके अभी जबरदस्ती बच्चों को दोनों को लेके गए। अभी एक बच्चा हमारे पास है अरकान, बाकी हसन को छोटे वाले को लेके गए। अभी रो रो परेशान हो रही है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ज़्यादा करेंगे तो हमारे मेरी खानदान वाले ही हमारे मतलब मेरा खानदान वाले ही हैं, सब कर नहीं सकते ना किसी को बोल सकते, कोई आता नहीं कुछ नहीं कि रेडी है ना हमारा, मेरे रेडी हो गए ना, उसके पास सब खाली दिखावे के सब है, बाकी कोई किसका नहीं है। मुझे तो अभी अल्लाह पे ही भरोसा है, मैं दुनिया वाले भरोसा करती भी नहीं हूँ, अल्लाह रसूल है और मेरे बच्चों का भी अल्लाह रसूल ही है। बस मेरे बेचारों बच्चों मेरे शोहर के सिवा हमारा और अल्लाह रसूल है, बाकी तो हमारे कोई है ही नहीं, रहते घूम के भी कोई मतलब नहीं है। अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं सजा बनाया तो वही सास से मैं अच्छी बात करके आ रही हूँ। बाकी मैं मतलब वीडियो में जल्दी में आना पसंद नहीं करती हूँ, ना किसी को किसी बुराई किसी का कुछ करना चाहती नहीं हूँ। तो मेरे बच्चों को अल्लाह बस अच्छे रखेंगे ना, मेरे बस से बचाएंगे, और पंचायत वाले के उनके शक्ति में उनके बच्चों की मेरी बच्चों की इनके आल औलाद की सबकी हिफाजत होगी।
बस यही करते हो, तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस अभी अल्लाह मेरे साथ दे, मेरे बच्चों का साथ दे, जज़ाकअल्लाह। तो मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, पर मैं है ना शादी के बाद भी जॉब करती थी और शादी के पहले भी करती थी, पर मैं है ना एयर होस्टेस का भी भरी थी। तो मेरी मम्मा को मैंने बोला था कि यानी मुझे एयर होस्टेस बनना है करके, मेरे से गलती हो मना कर दी, कर रहे थे ना, और उसके अंदर सिलेक्ट और एयर होस्टेस भी बन जाती, पर बोले कहा भर्ती फूटे तो मालूम नहीं पड़ा था कैसे धोखा देंगे। उसके अंदर वो सिलेक्ट भी हो गई थी एयर होस्टेस के अंदर, और शादी के बाद भी मैं डॉक्टर, मुझे नर्सिंग का पूरा आता है, तो मैं डॉक्टर के बड़ी बड़ी बातें करके मजा के ले लिया बेटी को, नर्सिंग के वहाँ भी करती थी। और अभी मैं सोची हूँ कि अभी सिंगल मदर हूँ तो फिर एक काम करती हूँ, ट्यूशन चालू कर देती हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के लिए, तो प्राइवेट ट्यूशन अभी चालू कर रही हूँ, और बाकी डॉक्टर के वहाँ नर्सिंग तो है ही, अभी पार्ट टाइम जॉब, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग दुआ करो कि अपने आवाज देंगे तो अच्छा रहेगा, जो भाई बहन ऐसा निकलेगा, ये सब बहनों का ये सोची भी नहीं थी मैंने, मतलब बहन के हिसाब से चल रही थी। अभी इसकी सास का अभी मेरे को डिटेल मालूम पड़े, मेरी खुद तबियत खराब है सब सुन सुन के, मैं क्या करूँ। ये भी नौ बात अपने मंगलवारी हुई थी ना, तो शटल करके लेके आता था, ये जाती थी, मुझे अच्छा है घर पर ही बैठे, घर पर ही मैं नहीं जाती, बच्चे अभी बोलो इनको तो बोले बेटा अल्लाह अच्छा करेंगे, आज नहीं तो कल अच्छा करेंगे, अभी उसमें ही अल्लाह अच्छा करेंगे करके। बड़ी घर की बेटी 15-16 ईयर्स हो गया है मेरी मैरिज को, और अब मुझे नहीं रहना, बहुत बर्दाश्त के बाहर हो गया, क्योंकि इतना हो गया कि मुझे मैंने मना अभी भी रहने का वो बोल ही रही है, मैंने उसको मना करी, जब वो बोले ऐसे ही रहना है तो फिर क्या फिजा भेजू, उसको सुधरना नहीं ना काम लेना, जिम्मेदारी लेना है, पुलिस तो जाने तो क्या बोलू। तभी मैं प्राइवेट ट्यूशन्स का सोच रही हूँ, तो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल रही हूँ, मैं मेरे बच्चों को तो खुद ही कराती हूँ, तो अगर आपको भी अगर डालना हो तो वो नंबर पे आप कॉल करके मुझे DM कर सकते हैं या इंस्टा पे भी, और आप लोग ऐसी सपोर्ट करिएगा, आपका प्यार दिखाएगा, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बस समझ में आ गया होगा कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, तो आप प्लीज़ अभी कमेंट नहीं कीजिएगा कि आपके हस्बैंड कहाँ है, आपकी लाइफ स्टोरी शेयर करो, आप सिर्फ आपसे हो सके तो दुआ करिएगा और हमारी लाइफ बेटर हो जाए बस। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।